संत कबीरदास का लहजा दिखता है डॉक्टर अब्दुल रहमान वनू की किताब नजरिया में। इस गाने के सहारे मशहूर गायिका ज़ेबा काजी डॉक्टर अब्दुल रहमान वनू साहब को अपनी दुआएं दे रही हैं। ये दुआएं उस शख्सियत को दी जा रही हैं जो समाज में इंसानियत, भाईचारा और आपसी सद्भाव फैलाने के लिए पहचाना जाता है। दरअसल स्वच्छ भारत अभियान महाराष्ट्र के संयोजक दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड्स के जनरल सेक्रेटरी, हिंद फाउंडेशन के चेयरमैन और 3S इंटीग्रेटेड फैसिलिटी के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल रहमान वनू मुंबई के सामाजिक हलकों में किसी भी तरह के परिचय के मोहताज नहीं है। उनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों का दायरा धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में फैलता जा रहा है। गुरुवार 21 जनवरी को उनकी शायरी की एक किताब नजरिया के शीर्षक से पाठकों के बीच आई। इस पुस्तक का विमोचन अंधेरी इस इलाके में कई फिल्मी, राजनीतिक और व्यापारिक हस्तियों के बीच किया गया। नजरिया के सामने आने पर डॉक्टर वनू की नई विधा के बारे में लोगों को मालूम पड़ा कि वो एक अच्छे शायर भी हैं। डॉक्टर वनू के कुछ अशार पेशे खिदमत हैं। भुलाती रंज गम शराब सारी यादें दिला दिला कर, ये ऐसी दवा है कमबख्त सुलाती है हमें रुला रुला कर। या फिर दिल में बसी हो मोहब्बत तो लफ्ज़ों में दिखाई देती है, सीने में अगर हो नफ़रत चेहरे पर दिखाई देती है, औरों की बुराई करते हैं उन्हें खुद की बुराई नहीं दिखती, हम खुशनसीब हैं कि हिंदुस्तानी हैं, माना कि शरीफ कम ज़्यादा तूफ़ानी है। नज़रिया उनकी शायरी का कलेक्शन है। उनकी शायरी कोरोना काल में लोगों को होने वाली तकलीफ़, इबादत गाहों पर लगी रोक, आर्थिक तंगी के साथ ही एक घुटन भरे माहौल से निकलने का एक रास्ता दिखाती है। इस पूरे संकलन में डॉक्टर वनू ने प्यार, मोहब्बत, इश्क के साथ ही फरमाबरदारी, पारिवारिक रिश्तों में आते बदलाव, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर सोशल मीडिया का असर, आपसी रिश्तों की बातें, इंसानियत, भाईचारा, राष्ट्रप्रेम और आत्मसम्मान का संदेश देने वाली बातों को अपनी शायरी में जगह दी है। इस तरह की शायरी आजकल आमतौर से बहुत कम पढ़ने या फिर सुनने को मिल रही है। इनकी शायरी में कई बार अंधविश्वास और समाज के दोहरेपन पर भी कटाक्ष किया गया है। इसके साथ ही बड़ी सावगोई से हिंदू मुस्लिम में बढ़ रही सांप्रदायिकता को निशाना बनाते हुए सभी को सामाजिक भाईचारे का पाठ पढ़ाने की कोशिश की गई है। वनू साहब की शायरी का ये अंदाज कभी कभी देश के महान संत कबीरदास की बेबाक और बेधड़क शायरी की याद ताज़ा करा देती है, जो मानवीय चेहरों पर फैले बनावटीपन और अंधविश्वास को अपनी कविता के द्वारा उजागर करते रहे। इस पुस्तक के विमोचन के बाद प्रेस 9 न्यूज़ ने डॉक्टर अब्दुल रहमान वनू से एक खास मुलाकात की। ये नज़रिया मैंने इस किताब में जो शामिल की है उसके अंदर वो मेरे नज़रिए हैं इस दुनिया को लेते हुए, हमारे देश के लोगों को लेते हुए, और हमारे जो भाई बहन हैं जो चाहते हैं, जो समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली एक इंसान को अच्छे से समझ में नहीं आ सकती है या हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बच्चा पैदा हो जाता है तो माँ उसकी टीचर होती है, जब स्कूल जाते हैं तो टीचर हो जाते हैं सिखाने के लिए, लेकिन जब स्कूल छोड़ने के बाद उनको एक कोई गाइडलाइंस मिलती नहीं है, कोई गाइडर मिलता नहीं है जिसकी वजह से वो आगे किस चीज़ों को समझ के संभल सकें। इसलिए हमने सोचा ये जो कोरोना का माहौल साल भर से हुआ है और इतने लोगों की नौकरियां गई है, बहुत सारी परेशानियां हुई है, कई लोगों को ज़िंदगी से अपने हाथ धोने पड़े हैं, इसमें जो हुकूमत ने लोगों को अच्छा, लोगों के लिए जो अच्छा काम किया है जिससे उनकी ज़िंदगी अच्छे से हो जाए या जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ हद तक भरपाई हो, तो ये सब मिला के जो जद्दोजहद हुई है
इसमें हमने सोचा कि लोगों में जो कमी नज़र आती है वो एक अपनापन है, एक कौमी एक जहती, जो यूनाइटेड होना दिल और दिमाग से अपने वतन के लिए, अपने वतन के वासियों के लिए, तो ये इसकी कमी नज़र आई मुझको। और मैंने कहा कि इसके लिए हमें कुछ जैसे जैसे चीज़ें मेरे ख्यालात में आते रहे, मैं उससे एक नज़म कहिए या एक शेर कहिए या अशार कहिए, मैंने इस तरीके से उसमें लिख दिया ताकि उसको एक आसान सरल जबान में एक इंसान समझा जाए। अगर मैंने उर्दू में कोई चीज़ प्योर उर्दू में लिखूंगा तो शायद उसके अल्फाज लोगों के समझ में नहीं आएंगे, तो मैंने इसको बहुत ही आसान और सरल भाषा में लिखने की कोशिश की है। और इसमें इंसानियत का, अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को, अपने भगवान को, अपने गॉड को, अपने अल्लाह को किस तरह से समझा जाए और कितना उस पर फेथ रखा जाए, इसके लिए हमने पूरी कोशिश की है कि वो इंसान को समझ आ जाए। क्योंकि क्या हो रहा है, जब तक हम अपना फेथ मजबूत नहीं रखेंगे हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, ये तो पक्की बात है। क्योंकि अगर आप सोचते होंगे कि मैं काम करता हूँ या इसकी वजह से मुझको खाना मिलता है, तो आप सोचिए कि इतने लाखों करोड़ों इस दुनिया में चिड़िया परिंदे जानवर जितने भी मवेशियाँ हैं, इन सब लोगों को खाना कौन प्रोवाइड करता है? ये ऊपर वाला है जिसने दुनिया बनाई है। और हम इस बात को छोड़ के मिसडायरेक्ट होकर कहीं और सोचने को चालू कर दिया कि हमें क्या ज़रूरी है, क्या चाहिए, तो हम समझने लगे कि हमारा सबका रब एक है और इस रब ने जिसने पूरी दुनिया बनाई है वही हमारा रखवाला है। लेकिन ये है कि हम हमारी ज़िंदगी में ईमानदारी, फेथफुलनेस और एक ओनरशिप क्रिएट करें जिससे हम सामने वाले को अपना बनाएं, तब हमारा देश तरक्की करेगा। और ये सोच से हमने इस किताब में बहुत सारी चीज़ें लिखी है। उम्मीद है मुझको ये किताब पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों को इसमें से अच्छी सीख और अच्छा पॉजिटिविटी नज़र आएगी और मुझको बहुत खुशी होगी कि मैं इस चीज़ को जो लोगों में फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें मैं कामयाब रहूँ। और आइंदा भी मैं ऐसे ही लिखता तो हूँ, मैं काफ़ी जमा हो गया स्टॉक मेरे पास, तो ये पहला वॉल्यूम है। इंशाल्लाह अगर ये अच्छा रहा, इसका रिस्पांस सही लगा, तो मैं सेकंड वॉल्यूम भी क्रिएट करूँगा इंशाल्लाह। किताबी शक्ल में आने में किस तरह की कोशिश करनी पड़ी, कितने दिनों की कोशिश? मेरे ख्याल में सोच तो पहले से आती थी, हमने इसको कभी जाहिर नहीं किया क्योंकि हमने सोचा कि ये हमारी सोच है, पता नहीं लोग ऑब्जेक्ट करें नहीं करें। लेकिन जब कोरोना आया, कोरोना आने के बाद एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गई है कि हर इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत है, ये क्लियर हो गया। वरना हर इंसान अकेला रह जाए तो अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं पाएगा, ये कोरोना ने क्लियर कर दिया। हम आज तक डॉक्टरों से डरते थे, हम वकीलों से डरते थे, हम दूसरे प्रोफेशन है उनसे डरते थे, क्योंकि हमको पता नहीं था कि हम सच हैं कि वो सच है। कोरोना ने हमको ये सिखा दिया कि आप अगर अच्छा फेथ रखते हो, आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है, तो आप सबसे पहले अपने आप को समझो, अपने जिस्म को समझो और फिर उसका इलाज करने को दौड़ो। वरना मालूम पड़ा मुझको सर्दी खांसी हुई है, डॉक्टर ने हमको पेट दर्द की दवा दे दी, 3-5 दिन देखा ठीक नहीं हुआ तो फिर और दवा चेंज कर दी। तो हमको क्योंकि नॉलेज नहीं था तो हम उनकी बात सुन रहे थे। लेकिन आज कोरोना होने की वजह से, और नुकसान तो बहुत हुआ है लेकिन इसके फ़ायदे भी ये हुए हैं कि हम एक आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनिए तो देश आगे बढ़ेगा, और मैं इस बात से पूरा मुत्तफिक हूँ कि वो कोशिश कर रहे हैं और उनको उनके लिए उनकी कोशिश में हमें अपना साथ देना चाहिए। डॉक्टर वनू की पुस्तक के विमोचन के अवसर पर उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। ये कार्यक्रम जेबी नगर सर्कल अंधेरी ईस्ट में आयोनी बैंकेट हॉल में हुआ। इस मौके पर आयोनी बैंकेट हॉल की ओपनिंग के कार्यक्रम के अवसर पर इसके मालिक कुणाल सिंह और करण सिंह को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने के लिए मुंबई की सामाजिक, राजनीतिक, फिल्मी और व्यापार जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। राज बिंद्रा के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।